हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर वाला भरता। उसके लिए सबसे पहले आपको बड़े बड़े बैंगन लेकर भूनने के लिए रख देने हैं। तो ध्यान रहे, आप बैंगन को चेक करके रखें, कोई उस पर छेद ना हो, कीड़े वाला ना हो। और अगर बैंगन की पटक पटक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है उसमें कीड़ा है। और सबसे पहले आपने दो बड़े प्याज, दो बड़े टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, ये सब काट के रख लेना है। बैंगन को साथ साथ आप चेक करते रहें ताकि वो जल ना जाए। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालना है और तेल गर्म होने पर उसमें जीरा डाल देना है। जीरे के बाद उसमें आपने जो अदरक और मिर्च का पेस्ट था वो डाल देना है। उसको भूनने के बाद आप उसमें कटे हुए प्याज डाल दें। प्याज आप हाथ से भी काट सकते हैं, मेरे पास तो ये धागे वाला कटर है, मैंने उसमें कटर किया है। और टमाटर को भी थोड़ा सा आप दरदरा पीस लें। प्याज को थोड़ा लाल होने तक, ब्राउन होने तक भूनना है। बैंगन को भून जाने के बाद आप उसको पानी वाले बाउल में डाल दीजिए ठंडा होने के लिए। देखिए प्याज भून के लाल हो चुका है। अब इसमें आप मटर डाल दीजिए जो दरदरे आपने करके रखे हैं। इससे क्या होगा कि मटर आसानी से गल जाएंगे। अगर आप साबुत मटर डालते हो तो आपको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। अब आप इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची और 1.5 चम्मच नमक डाल दो। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हो। मैं थोड़ा मिनी ठीक खाती हूँ। अब आप इसमें जो टमाटर काट के रखे हैं वो डाल दीजिए। जब तक आप बैंगन छीलोगे तब तक आप इसको ढक के पकने दो, आंच को मीडियम कर दो। अब आप बैंगन छील लो और अच्छी तरह चेक कर लो उसमें कोई कीड़ा ना हो। अब आप भुने हुए मसाले में बैंगन का भरता ये डालकर अच्छी तरह पका लो। 5-10 मिनट अच्छी तरह पका लो। अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाना चाहिए भुना हुआ बैंगन। अब आप इसमें धनिया पाउडर डाल दो 1 चम्मच। हाँ गाइस, इसमें कोई गरम मसाला नहीं डलता क्योंकि उससे टेस्ट चेंज हो जाता है, सिर्फ धनिया मसाला ही डालें। अब आप इसमें सूखी कसूरी मेथी डाल सकते हैं या फिर कटा हुआ धनिया। इस मौसम में धनिया होता नहीं है तो मैं इसमें कसूरी मेथी ही डालूँगी।
मटर वाला बैंगन का भरता सर्व करने के लिए रेडी है गाइस। आप इसको बनाइए और टेस्ट करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। Yeah.